नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। देश के 3 राज्य में इस वक्त उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। वोटिंग के दौरान यूपी में सपा के सचेतक विधायक मनोज कुमार पांडे ने सपा पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिससे सपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नामांकन के आखिरी दिन 21 फरवरी को भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 8वां प्रत्याशी संजय सिंह सेठ को चुनावी मैदान में उतार दिया था, जिससे सपा का गणित बिगड़ गया, क्योंकि बीजेपी के पास 7 राज्यसभा सांसदों के लिए पर्याप्त वोट है, लेकिन 8वां प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार कर बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है। सपा की अगर बात करें तो सपा ने अपनी तरफ से 3 प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन सपा को यहां तीनों प्रत्याशियों को चुनाव जिताने के लिए 111 विधायकों का वोट चाहिए है, लेकिन मौजूदा हाल में सपा के पास मात्र 109 विधायक वोट ही है। बता दें कि 2 विधायक सपा के इस वक्त जेल में हैं, इसलिए सपा के लिए मुश्किल हालात बने हुए हैं। वहीं ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए सपा के विधायकों का वोट तोड़ मरोड़ करके हासिल कर सकती है, जिससे सपा को 1 सीट का नुकसान हो जाएगा। बता दें कि सपा ने वोटिंग से पहले कल यानी 26 फरवरी की शाम को सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। विधायकों के लिए डिनर आयोजित किया गया था, लेकिन 8 विधायक बैठक और डिनर में शामिल नहीं हुए थे, जिनमें चायल से विधायक पूजा पाल, गोरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, अमेठी से विधायक महाराज देवी, कालपी से विधायक विनोद चतुर्वेदी, ऊंचाहार से विधायक व सपा सचेतक मनोज पांडे, सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल और अंबेडकर नगर से विधायक राकेश पांडे शामिल हैं। ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना यूपी में ज़्यादा तेज हो गई है और ये माना जा रहा है कि सपा की ये 8 विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सपा और एनडीए ने राज्यसभा चुनाव के लिए किन चेहरों पर अपना भरोसा इस बार जताए हैं। तो यूपी में भाजपा की तरफ से आरपीएन सिंह चौधरी, तेजबीर सिंह, अमरपाल मोर, संगीता बलवंत, सुधांशु त्रिवेदी, साधना सिंह, नवीन जैन और संजय सेठ चुनावी मैदान में हैं। सपा से जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी आलोक रंजन चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी के 7 और सपा के 2 कैंडिडेट की जीत तो एकदम तय मानी जाती है, मगर बीजेपी के 8वें प्रत्याशी संजय सेठ और सपा के 3रे कैंडिडेट आलोक रंजन को लेकर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है, भाजपा जीतने के लिए कुछ भी करेगी, जिनको लाभ मिलना होगा वो जरूर चले जाएंगे हमारी पार्टी से। उधर अखिलेश यादव की डिनर पार्टी से नदारत रहे सपा के 8 विधायकों में से 2 विधायक राकेश सिंह और अभय सिंह सुबह भाजपा के साथ नजर आए। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मतदान से पहले जय श्री राम के नारे लगाए। यूपी में राज्यसभा चुनाव के बीच सपा के बागी विधायकों मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे और विनोद चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधानसभा सचिवालय में मुलाकात की है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सपा और एनडीए अपने कितने प्रत्याशियों को राज्यसभा भेज पाती है। वैसे बाजी बीजेपी मारती हुई फिलहाल दिख रही है, वजह बन रहे हैं सपा के बागी विधायक। और आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में सपा इस बार अपने 3 सीटों पर जीत तय कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या बीजेपी 7 की जगह 8 लोगों को राज्यसभा सांसद बना देगी। कैसी लगी आपको खबर, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।